press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बहुत ज़्यादा मिलना नहीं हो पाता है, बट डेफिनेटली वी शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. एंड या ही इज़ अ फन लविंग गाय, ही इज़ अ फैंटास्टिक गाय, वेरी चेयरमैन ऑफ पर्सन, बहुत जेंटलमैन एंड अबव ऑल वेरी इंटेलेक्चुअल. तो उनके साथ बात करने में all the happiness you deserve. You are a very hardworking guy, you are very successful, but yet I would love to wish you all the success, name, fame, happiness, good health, wealth in the world, and all that you desire for me, all your wishes come true. Lots of love, happy birthday once again. Enjoy. That's it. पहले देखी थी उसके बाद बर्थडे बॉय आपको बताएंगे कि उनको क्या करना है. कल बताएंगे. That's a secret, obviously. सो ऑनेस्टली मैंने सोचा आज धमाका करने वाले बहुत एक्साइटेड अपने दोस्त का बर्थडे पार्टी है. सो डेफिनेटली हम वही समथिंग सिंपल सा एक ब्लू कलर का कॉटन कर रहे थे एंड मेकअप कर्ली है, नो एक्सेसरीज, वॉच, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू बी कंफर्टेबल एंड बी माई सेल्फ, बिकॉज आई एम शूटिंग एंड आई हैव गॉट अ वेरी हेक्टिक डे, सो आई जस्ट वांटेड टू बी कंफर्टेबल. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. I'm very excited. I think Gunjan is one of the best anchors and Gunjan is one of the best anchors that we have on TV. और ऐसे ही entertain करते रहो और ऐसे ही घूमते रहो जैसे तुम घूमते रहते हो. सबने ऑडियो म्यूट किया हुआ है यहाँ पे भी. थैंक यू ऑल फॉर कमिंग है. थैंक यू ऑल फॉर कमिंग है. थैंक यू यार, बहुत खास होने वाली है. मेरा 21वां जन्मदिन है. फाइनली आई कैन वोट, आई कैन ड्राइव एंड आई कैन ड्रिंक ऑल्सो. लाइक नॉट इन द सेम ऑर्डर. इससे पता लगता है कि मैं कितना परे हूँ इन सब चीज़ों से. नो सो आई एम ग्लैड. इट्स अ वेरी स्पेशल डे और मैं बहुत स्पेशल क्यों है. मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी भी आज ही होती है. आज मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी भी होती है. सो मेनी मेनी इयर्स इट्स द फर्स्ट टाइम माय पेरेंट्स सेड कि हम अपनी एनिवर्सरी अलग बनाएंगे, पार्टी अलग करो. सो आज मेरे माता पिता जो है एक रोमांटिक ड्राइव पर निकल गए एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टू सेलिब्रेट माई बर्थडे विद माई सिस्टर्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग हैं, थैंक यू वेरी मच. सो ऑब्वियसली
parts of my life have come. All those people who've shaped my life professionally, personally, they all are going to be here. I'm very, very happy to be here. पेरेंट्स की एनिवर्सरी भी होती है, तो हम हमेशा अपने गुरुजी के आश्रम में होते हैं, वी ऑलवेज स्टे देयर। लेकिन उससे पहले जो मेमोरी है वो ये होता है कि नानी के घर जाते थे हम लोग, और वहाँ पर बिकॉज आई एम द एल्डेस्ट सन इन द होल नानी, आई डोंट नो यू रियलाइज मेरी नानी की साइड से मैं कुछ बताऊँ, सो मेरे को जो पैम्परिंग मिलती है वो किसी को नहीं मिलती है। सो दैट इज वन थिंग विच आई रिमेंबर फ्रॉम माय नाना जी। आई रिमेंबर गॉट अ 7 ईयर केक ओनली फॉर मी, लाइक और ये मैं बात कर रहा हूँ उस जमाने की जब ये ऐसे टीयर वाले केक नहीं होते थे, सिर्फ पाइनएप्पल पेस्ट्री टाइप चीज़ें होती थी, तो उन्होंने मेरे लिए 7 ईयर का केक बनवाया था। यार मैं ये विश करना चाहता हूँ कि जब मैं 100 साल का हो जाऊँ तो आप सब लोगों के साथ बर्थडे मनाऊँ, यहाँ पे नहीं कहीं और कहीं पे भी, बट तब लोग तुम लोग तेरी हेल्थ देख के लग नहीं रहा तू रहे, बट देखिए मैंने जब इनविटेशन भेजा था तो मैंने उसमें लिखा था कि प्लीज कोई गिफ्ट ना लेके आए, और स्टार लगा दिया था उस इनविटेशन पे, सो यू नो व्हाट आई मीन, लाइक द मोमेंट यू से दैट आई डोंट नीड एनी गिफ्ट मींस कि गिफ्ट जरूर लेके आना। सो ये तो यार लोगों को पूछना चाहिए कि क्या लेके आए, और मैं जो आदमी है ना, मैं सिर्फ फूल लेके आया हूँ, दुआएं लेके आया हूँ, उसको तो उसकी एंट्री बैन करनी चाहिए यहाँ पे। या सो आई होप अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलेंगे, लाए हो ना अच्छे अच्छे, actors, any artist in this world is only because of, you know, all the love we get from people around the globe. So thank you very much. Thank you. In fact, subah se mera phone jo hai wo ruk hi nahi raha hai, bahut sare messages aa rahe hain Instagram pe, Facebook pe. So first of all, really sorry, maine bhi jawab nahi diya, aapko ek hafte ka time diya, main sabko personally reply karunga, but thank you all for your love and लाल जूता रो रहा है उसका नंबर कब आएगा, सो आई डोंट वेयर एनी अदर कलर, सो जैकेट माय ब्रदर गेट्स मी आई वेयर इट, सो आई एम वेरी सिंपल गाइस आई वेयर, बट आई थिंक दिस इज व्हाट प्लीज हैव अ ग्रेट टाइम एंड वंस वी आर डन विद दिस आई विल रियली बी हैप्पी, वंस यू आर डन विद दिस लेट्स पार्टी, थैंक यू वेरी मच। Always wanted to pursue anchoring and wanted to be right up there. He's going to be well and all the best for another decade. May he go all the way up. Just best wishes for everything. Happy birthday. Happy birthday. Anything what? Gunjan is a very honest guy. Very honest and down to earth. सबके साथ में शेयर करो। एक्चुअली बहुत ही
पता नहीं चलता है कब वो मजाक कर रहा है, कब वो आपकी टांग खींच रहा है। और एक दो बार मेरे साथ ऐसा हादसा हो चुका है जब वो शूट
say happy birthday to you. Happy birthday to you. I think it would be really awesome if I actually walked in and said happy birthday to Jeff. So, happy birthday to Jeff. Thank you for your trust, sir. And I'm glad to be here. Spread the happiness and the joy. And in my own style, it would be happy birthday to you. Happy birthday to you. कुछ गिरा है क्या? सॉरी. ये पहली बार है कि गुंजन ऐसा इतना सब लोगों से मिलाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है. मेरा एक दिमाग में ना विश बहुत फिक्स था गुंजन के लिए. हैप्पी बर्थडे गुंजन फ्रॉम गुंजन. बट इतना बता सकती हूँ कि ट्रैवल से रिलेटेड है, जैसे ये बर्थडे पार्टी. बट लास्ट मिनट मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया एंड इसलिए दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस. हाँ यार, ये सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं. एक्चुअली मैं कहीं गई थी नहीं, एज सच यू नो, मैं कहीं गई नहीं थी टू कम बैक. बट या मेरी साउथ फिल्म अभी जस्ट रिलीज होने वाली है, सो मजा आता है. हम लोगों ने एक शो साथ में किया, उसके बाद हमारी बड़ी गहरी दोस्ती हो गई. कितना भी खराब हो, आप मुझसे मिलते हो तो आपको बोलना चाहूंगा सबसे अच्छी बात.
बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इतने कमाल करते हैं। शुभकामना है कि खुशी से जिंदगी गुजारें। गुंजन द बर्थडे बॉय, इतने सारे माइक लगे हैं उसी का बर्थडे हो सकता है। He also turned out. May he also turn wiser. No, he should just keep growing, yeah. Not only in age, but also in his rhythm, and he should just keep shining. He's very full of energy. He's always very infectious. I'm very entertained whenever he's around. His sense of humor, he's very good at playing pranks. तो आई थिंक मैं उनसे बहुत सारे टिप्स लेता रहता हूँ समझने के लिए कि यार क्या करूँ सेट पे, कैसा करूँ सेट पे। अब ये तो अंदर जाके पता चलेगा। ऑल माई फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी गॉन इन एंड इज हियर। नहीं तो इतने बेसुरे लोग आगे, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपका क्वेश्चन अलग है, ये अलग क्वेश्चन। यार ये लोग बहुत अच्छे हैं,
थैंक यू। बर्थडे के बॉय, बर्थडे बॉय के बारे में ये कहूंगा कि वो वहां पे होस्टिंग क्यों कर रहा है, अपने बर्थडे में भी काम क्यों कर रहा है बंदा। Well, I just want to say that he's one of the sweetest guys. अच्छा, कपड़े खरीदो तो दिखाने तो पड़ेंगे। I'm one of the sweetest guys, man. He's one of the nicest guys around, one of the most talented guys around. And ऐसे ही बोल रहा हूँ कि है, सच बात है। मैंने बुलाया हूँ कि बताओ मुझे अच्छा मिले। बस ऐसे ही। और आप ही बोले बात। Honestly, he's one of those very cool guys, and I remember talking to someone. So somebody said who are the good anchors etc, and do you look each other in competition, and I said there are very few people I genuinely love, respect and admire. This guy actually is one of those people. We've done a lot of shows together. Yeah. And I'm glad that mostly been like my garden, you've been hosting, like it's mostly been like that. Exactly. So very soon we'll be hosting a show. It has always been my dream that we should host a show. We've actually spoken about this. Yes, yes, we have. I said that you should do this show, I should do this show, one day we'll do this show. पहले से तारीफ कर देते हैं हर्षदीप जी, क्या कहना चाहेंगी आप गुंजन के बारे में? चाहूंगी कि हैप्पी बर्थडे गुंजन, और एक ही गुंजन है, और बस गुंजन ही गुनगुनाता रहे और हंसता रहे। वो कैरेक्टर है लेकिन बहुत कॉफी दिल से भी बड़े अच्छे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दिल से बड़े चंगे हैं, चंगे मुंडे की तरह। क्या बात है। तो गुंजन इज आल्सो अ पर्सन लाइक दैट, वेरी स्वीट और थोड़ा बनता है, बहुत थोड़ा बनता है। दोस्त है और बड़ा प्यारा कलाकार भी है, और हमने काम भी किया है साथ में, और आज उसका बर्थडे है। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि वो हमेशा तरक्की करें, खुश रहें और लोगों को। कॉमेडी तो उस दिन हो गई थी जब वो उसका हुआ था जन्म, इससे बड़ी कॉमेडी हो नहीं सकती। और अब कॉमेडी कर रहा है, लोगों को हंसाता है, और इसके जो मामा जी हैं वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, रवि अरोड़ा जी, अगर यहाँ पे, तो कॉमेडी
कॉमेडी अंदाज में मैं उनको क्या हंसाऊंगा, क्योंकि वो तो खुद लोगों को बड़ा हंसाते हैं, मुझे भी बड़ा हंसाते हैं, उनका छोटा भाई भी बड़ा अच्छा कलाकार है। तो मैं बस यही कहूँगा, खुश रहो, आबाद रहो गुंजन, चाहे दिल्ली रहो, चाहे पंजाब रहो, चाहे मुंबई में रहो। कपिल की शादी हो रही है और पहले तो मैं बड़ा अंदर ही अंदर डरा हुआ था कि मुझे बुलाएगा कि नहीं, और मैंने पक्का सोचा हुआ था नहीं भी बुलाएगा तो मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब उसका कार्ड आया, डिब्बा आया, तो मैं खुश हो गया क्योंकि उसकी शादी हो रही है और उसने लोगों को बड़ा हंसाया है, हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को हंसाया है। हम दुआ करते हैं कि शादी के बाद वो भी इतना ही हंसे। वैसे तो बड़ा मुश्किल काम होता है शादी के बाद हंसना, लेकिन वो हंसेगा क्योंकि उसकी शादी बहुत अच्छी हो रही है और अमृतसर में हो रही है और मैं सारे पार्टियों में जा रहा हूँ। शो उसका बहुत अच्छा आएगा क्योंकि अभी खुशी के दिन चल रहे हैं। तो जब वो होता है ना कि एक टाइम आता है कि जब इंसान को खुशी मिलती है तो उसके सारे काम ही अच्छे होते हैं। तो शादी की खुशी भी है और शो की खुशी है। उसके शो में बड़े बड़े अच्छे कलाकार मैं देखूंगा उसका शो, और शो बहुत अच्छा होगा ये हमें पता है क्योंकि उसके जैसा कलाकार कभी कभी पैदा। थैंक यू सो मच। बड़ा मतलब गुंजन ने इतना बड़ा लाइक सेलिब्रेशन कर रखा है। गुंजन ने फेस टू हिम जो आपको बहुत रेयरली मिलता है। आपको कितना लगता है? इट्स कंप्लीट। इट वाज सपोज्ड टू रिलीज सम टाइम नाउ बट इफ द डेट्स हैव बीन पुश्ड सो व्हेन द डेट्स विल बी आउट यू नो बट गुंजन बहुत जल्दी से हाथ में आता नहीं है बिकॉज ही इज ऑलवेज ट्रैवलिंग और आज उसका बर्थडे है। तो फाइनली मैंने गुंजन को बहुत कम बार देखा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए इंडिया में। बहुत कमिटमेंट होने के बाद वो हमेशा ट्रैवल करता। सो आज पार्टी होगी और गुंजन के साथ ऑफकोर्स एसोसिएशन हैज़ बीन वेरी लॉन्ग एज ही इज़ बीन होस्टिंग माई TPL ऑल्सो। Sensibility of work or the kind of words which he uses in his work, I feel it's very appreciable and it's the right kind of word that
and on not only on his birthday, but I wish him that he gets the best in his life. He gets the best in his career. थोड़ा सा एक सरप्राइज रखना चाहता हूँ मैं उसके लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.